जो मेंटर हैं दीपक भट्टाचार्य जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दीपक भट्टाचार्य जी को, कि लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले उनके बारे में मेरे को कुछ कहना है, तो लेट अस 1 मिनट, मैं चाहूंगा कि मुझे समय मिले थोड़ा, जिससे मैं दीपक जी के बारे में आपको विस्तार से कह सकूं। दीपक जी भट्टाचार्य जी स्टार्टेड इज डायनेस्टिक कैरियर इन 1982 एंड बिकम चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद विवेकानंदनपुरम इन 1990। ही वॉज इंस्टॉल्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इन 2013 एट हम्बर्ग जर्मनी। अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ही ब्रोट लॉरल्स टू डिस्ट्रिक्ट 316C बाय बिकमिंग नंबर वन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ 769 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स स्प्रेड ओवर इन 2010 कंट्रीज बाय विनिंग ड्रीम अचीवर्स 4-स्टार गोल्ड अवार्ड। ही वॉज इन्वाइटेड टू द डैश ड्यूरिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन कनाडा फॉर बींग एडजस्ट एज द नंबर वन गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ही वॉज ऑल्सो एक्सटेंडेड ऑल इंडिया सॉलिसिटेशन बाई LCCI एट न्यू दिल्ली फॉर इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड फॉर बिकमिंग नंबर वन गवर्नर इन द वर्ल्ड। ही वॉज अवार्डेड द इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मेडल फॉर विनिंग ड्रीम अचीवर्स 4-स्टार गोल्ड अवार्ड। सो सच अ पर्सनैलिटी एंड ही वॉज ऑल्सो द रिसिपियंट ऑफ एम्बेसडर ऑफ गुडविल अवार्ड, द हाइएस्ट अवार्ड ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल, वेरी रेयर अवार्ड। सो दिस पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इज वी आर लकी इनफ we have such a past district governor as a mentor. He is Lions certified trainer LCIP. He is a life member of Lions Club International also. So many qualities, and he is designated as a senior advocate by the full court of High Court in the year 2016 in recognition of his contribution towards legal professional, and status was published in Telangana Gazette. So such a personality, we are lucky enough आज ऐसे व्यक्ति को हम एज ए मेंटर के रूप में हम देख रहे हैं, तो ये हमारा नसीब है। और मैं विशेष तौर से फिर से बात करना चाहूँगा हैदराबाद की, कि हैदराबाद के अंदर हम लोगों को इतना इनसे आत्मीयता मिली कि ऐसा लगा कि इस तरह के प्रोग्राम हर साल होने चाहिए। और ये आप सब मेरे ख्याल से दीपक जी और सब एग्री भी होंगे, तो ये इनका आज मेंटर ये है बलबीर सिंह जी सानी के, जिनको स्पेशलिटी क्लब के डॉक्टर कहा जाता है। तो उनका उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं और उनके बारे में कहने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ दीपक जी को। नमस्कार, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सुभाष दासानी जी और हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन JP त्रिवेदी जी, ये वर्चुअल मंच में उपस्थित और सज्जनों और अपने लाइन मित्रगण, और सबको बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा आज वर्चुअल प्रोग्राम अरेंज किया है। ये अपने इसामी के जो अपना गैट प्रोग्राम है उसके मुताबिक। अभी बलबीर सिंह जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, आई एम सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस सच अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। He joined the Lions movement in the year 1998. Our district governor ban gaye 2016 and 17 and became one of the best governor of the entire country. And uske baad unhone multiple council secretary ban gaye 2017-18 mein. And he received his DG International President DG Excellence Award for the outstanding performance as the district governor. Unko leadership medal 6 baar mila hai. प्रेसिडेंशियल मेडल भी 6 बार मिला है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। उन्होंने ALLI ग्रेजुएट बनाया 2014 में और FDI ग्रेजुएट बनाया 2017 में। ही हैज स्पॉन्सर्ड हिमसेल्फ 150 लायंस फॉर व्हिच ही हैज रिसीव्ड द की ऑफ नेशन पिन, व्हिच इज अगेन ए वेरी बिग अचीवमेंट बाय इटसेल्फ। एंड अभी लायनिज्म छोड़ के
I am so proud to introduce that he did his bachelor's degree in architecture in the year 1992. उसके बाद उन्होंने एम टेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में 2005 में. उन्होंने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर भी एक डिग्री लिया है. और अब आश्चर्य की बात है उनका बिकॉज ऑफ पैशन एंड इंटरेस्ट उन्होंने एम ए इन एस्ट्रोलॉजी भी किया है. तो हमारे बीच में एक एस्ट्रोलॉजर भी उपस्थित है. और उन्होंने 25 कंट्रीज विजिट किया है एंड ही इज एट प्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डर ऑफ उज्जैन. एंड आई एम सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू इंट्रोड्यूस टुडेज प्रेजेंटर लायन आर्किटेक्ट बलबीर सिंह साहनी आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ लायनिज्म एंड ऑल्सो एन इंजीनियर. Ladies and gentlemen, let us welcome him with a very big round of applause. So Balbir Singh ji, bole usse pehle main inke liye yahi kahunga, he is a dreamer, he is a visionary and he is a doer. To inka hasmukh chehra 3 din Hyderabad mein dekhne ke baad aaj phir dekhne ko mil raha hai. So we are so lucky. So please Balbir Singh ji. Thank you. एरिया लीडर सुभाष दासानी जी, थैंक यू दीपक जी फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स. मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, मैं वाइफ को दिखाऊंगा कि देखो कभी कभी बोलते हैं ना लाइंस में क्या करते हो दिन भर, तो जरूर मैं दिखाऊंगा इसको. थैंक यू दीपक जी, वेरी थैंक यू दासानी जी. हार्दिक जी मुझे स्क्रीन शेयर कर देंगे तो मेरा समय कितना? यस सर, यू हैव द राइट्स. आई गॉट 40 मिनट्स ना, 35 मिनट्स एंड द क्वेश्चन आंसर. ओके सर, you are co-host sir, you can okay. Say directly. Okay sir, okay, let me just test. Okay friends, is it visible? Hardik ji, ये दिख रहा है? Yes. Yes. Okay. Thank you sir. Thank you very much. मुझे आज presentation आपके multiple 3232 में आ जाने का मौका मिला है. And my greetings to all district governors, council chairperson Divedi ji, and all the DG team and wonderful members over there. आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुझे बताया गया कि स्पेशलिटी क्लब आपको 3232 में देना है, तो मैंने कहा गुजरात में तो स्पेशलिटी क्लब क्या होता होगा. पर अभी मैं पिछले 15 मिनट से और जब मैंने इसके पहले प्रेजेंटेशन तैयार किया और अभी हैदराबाद में दासानी जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि स्पेशलिटी क्लब के बारे में एमडी 3232 में कुछ बताने का मतलब ये है कि संजय खेतान साहब को, जो हमारे डायरेक्टर हैं नेपाल से, उनको क्लब मेंबरशिप और स्पेशलिटी क्लब के बारे में जानकारी देना है. सो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा एमडी 3232 को. सारे क्लब्स, लगभग 90% ऑफ द क्लब्स, अभी हम डाटा शेयर करेंगे आपके साथ, 90% ऑफ द क्लब्स दे आर मेकिंग, आप लोग बना रहे हैं जो स्पेशलिटी क्लब बना रहे हैं, और आपको कुछ भी बताना मतलब सूरज को दिया दिखाना है. तो सबसे बधाई आप लोग सभी को. लेकिन चूंकि मुझे कुछ दायित्व दिए गए हैं इसलिए मैं आपके साथ ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा. इस स्पेशलिटी क्लब के बारे में सबसे अच्छा समझने का एक तरीका जो है, वैसे तो आपको पता है पर फिर भी एक छोटा सा वीडियो हम शेयर करेंगे, और उस वीडियो में आपके बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं. We're doing service projects on top of the racing, which we didn't have that before. We started our Nepalese cultural class through the help of the Lions Club. First responders have always been about service and about sacrifice. The main purpose of our club is to support the athletes and their families. Our focus is diabetes. 21 members all fighting for the same cause. 이렇게 학생들을 가르치면서 같이 함께 봉사활동하는 것이 가장 큰 의미가 있다고 생각합니다.
being a lion is very good. You feel happy when you give back. The Lions community has given me many friendship and leadership skills, networking opportunities, excellent tools, training resources, expert people. Anything that you want is right there. We may not be a typical Lions club, but we are a specialty club and we are Lions. LCI is ready to embrace everybody. We need to open the door and go and ask. तो फ्रेंड्स हमने ये देखा यहाँ किस तरह से अलग अलग कल्चर के अलग अलग लोग जो हैं उन्होंने अपने क्लब्स बनाए हैं। इनिशियली एक कंसेप्ट शुरू किया गया था संजय खेतान जी जब मेंबरशिप डिवीजन के इंचार्ज थे इंटरनेशनल में, तब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जहां तक मुझे बताया गया था या मैंने इनके बारे में सुना है कि उन्होंने अमेरिका में कुछ नेपालीज जो उनकी कम्युनिटी थी उसके माध्यम से जब वर्ल्ड में क्लब्स बनाने शुरू करे, सो दैट प्रोग्राम वाज एज ए पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने वो शुरू करवाया था। और बाद में धीरे धीरे उसके सक्सेस को देखते हुए वर्ल्ड वाइड जो है स्पेशली प्रोग्राम है, हमारा मेंबरशिप का एक परमानेंट प्रोग्राम हो गया है। हेलो, यस सर, जस्ट अ मोमेंट, ये यस। सो स्पेशलिटी क्लब प्रोग्राम्स जो हैं ये ऐसे लोगों के लिए बनाए गए थे कि जहाँ का कॉमन इंटरेस्ट हो उन लोगों का, जो आपस में एक कॉमन इंटरेस्ट शो करते हैं या एक कॉमन पैशन है या कॉमन प्रोफेशन है, ताकि उनको क्लब में ज्यादा अंदर उनका क्लब जो है ज्यादा तरीके से जुड़ा रह सके। अभी तक हम लोगों ने डाइवर्सिटी शब्द पढ़ा था हमारे लायनिज्म में कि किस तरह से अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं और एक क्लब बनाते हैं और वो एक्टिविटी करते हैं। परंतु आजकल इस भागती दुनिया में हमने देखा है कि लोग अपने प्रोफेशन जब करते हैं या अपने बिजनेस में रहते हैं या जॉब में रहते हैं, तो एक अपने उससे जुड़े हुए लोगों के साथ उठना बैठना मिलना उनका ज्यादा होता है, क्योंकि हम ज्यादा समय देते हैं अपने व्यापार को, ज्यादा समय देते हैं अपने कल्चर को। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, लायंस इंटरनेशनल ने महसूस किया कि कहीं ना कहीं यदि हम जो वो लोग सोचते हैं उसके हिसाब से उनके साथ क्लब जुड़े और उनके पैशन को हम सर्विस एक्टिविटी में कन्वर्ट कराएं, तो इसके लिए स्पेशलिटी क्लब की एक शुरुआत हुई। और यही कारण है कि हमारे वर्ल्ड दुनिया भर में हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी ताकि हम एक बेहतर तरीके से इस चीजों को शुरू कर सकें। और स्पेशलिटी क्लब के साथ में एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि डाइवर्सिटी ऑफ लायनिज्म के बारे में जैसे मैंने बताया, उसके बाद उन्होंने एक यूनिक कल्चर, उनका जो है उनका इंटरेस्ट है, उनका जो प्रोग्राम है, उनका जो पैशन है, उसको जोड़ते हुए क्लबों को डिजाइन किया। आज स्पेशलिटी क्लब की स्थिति क्या है वर्ल्ड में, जिस तरह से प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है, ये हम यदि देखें तो कनाडा में जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया है हमारे पास साथ, उसमें से कनाडा का एरिया जो है वहाँ 83 स्पेशलिटी क्लब्स हैं अभी तक, ये टोटल फिगर है। 584 आपके अमेरिका है, साउथ अमेरिका में जो है 539 स्पेशलिटी क्लब्स हैं। यदि हम यूरोप की बात करें तो यूरोप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया है 244, अफ्रीका का जो है सब सहारन रीजन जो है 189 है, और ओशियल रीजन में 368 है। इस तरह से हमारे पास जो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की हम यदि बात करें तो 143 है, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे पास यदि क्लब्स हैं स्पेशलिटी क्लब्स तो हमारे इस सामे एरिया में 3829 क्लब्स लगभग 15 अक्टूबर का जो लेटेस्ट डाटा है मेरे पास उसमें लगभग 3829 क्लब हमारे यहाँ स्पेशलिटी क्लब्स बने हुए हैं। स्पेशलिटी क्लब की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्यों इन सब की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे अभी भी इतना काम करने के बावजूद वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्रीज में हम लोग हैं, लगभग 14 लाख की हमारे पास मेंबरशिप है, इसके हम इतना काम करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च करते हैं एलसीएफ के माध्यम से विभिन्न प्रोग्राम्स में, उसके बावजूद भी हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जरूरतें हैं, हम जितना काम कर रहे हैं उतने ही ज्यादा हमें जरूरतें दिख रही हैं। इसीलिए हम एलसीएफ में कैंपेन फर्स्ट टू इस तरह से लगातार क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेंबर्स की जरूरत है, और जिस तरह से दुनिया बदल रही है और पिछले 2 सालों में बदली है तो स्पेशली क्लब्स की डिमांड और ज्यादा हो गई है। हम यदि देखें कि डिस्प्लेसमेंट लोगों का जो हो रहा है, दुनिया एक देशों से दूसरे देशों में पलायन जो हो रहा है, एक रीजन से दूसरे रीजन में जिस तेजी से आजकल पलायन हो रहा है, उसमें हमें और इमरजेंसी फंड्स की जरूरत है, ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट्स की जरूरत है, और ऐसे मेंबर्स की जरूरत है जो पर्टिकुलरली वहां काम कर सके। डिजास्टर्स हमारे यहाँ कितने ज्यादा हो रहे हैं जिसके कारण से 3.5 लाख लोग जो है हमारे सफर कर रहे हैं,
उसी तरह से फूड की इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है. आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 700 करोड़ के आसपास ज्यादा है और फूड जरा सी कहीं कोई प्रॉब्लम शुरू होती है फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है. इसीलिए हमारे एनजीओज लाइक लायंस और रोटरीज और यूनाइटेड नेशंस जो है वो उस तरह से वहाँ काम करते हैं. जेंडर इक्वलिटी हमारे यहाँ बढ़ी हुई है. आज भी हम देखें तो हमारे जो लायंस में जो मेंबरशिप है वो वुमेन मेंबरशिप अभी भी हमारे पास 30% के आसपास ही है. वर्ल्ड वाइड भी है, इंडिया लेवल पे भी हम देखें, सामे लेवल पे भी देखें, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखें, कुछ में 40 तक है मैगजीन, लेकिन अभी भी इनइक्वलिटी है. सो उसके लिए भी हमें स्पेशलिटी क्लब यहाँ बहुत मदद करते हैं. डायबिटीज देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम डायबिटीज की आज हर पांचवा छठा आदमी जो है वो डायबिटीज से पीड़ित है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, कॉमन प्रॉब्लम हो गई है. इन सब के लिए भी ऐसे हमें लोग चाहिए जो पर्टिकुलरली डायबिटीज में ही काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो वो अपने पैशन के हिसाब से अपना काम करें. लेकिन वो यदि लाइन्स के एनजीओ के बैनर तले काम करते हैं तो यहाँ हमें स्पेशलिटी क्लब्स की जरूरत पड़ती है. कैंसर, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जब पता चलती है तब तक हमारे पास कई लोगों के पास, हमारे कई साथियों के पास समय निकल जाता है. तो इसके हमें उसके बारे में पहले से जानकारी उन्हें देना, इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम करना यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है. विजन, हमने बहुत अच्छा काम किया, अलायंस हैज डन वंडरफुल जॉब विजन में, लेकिन जितना हम करते हैं उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ती है. हम जब देखते हैं रूरल एरियाज में, हम यदि गुजरात की बात करें, हमारे एमपी की बात करें, उज्जैन की बात करें जहां से हम लोग, मैं आता हूं, 3232 की बात करें, MD 3232 की बात करें, आज भी गांव में यदि हम कैंप कई जगह लगाने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद कैटरेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन वहां जाके जब देखते हैं तो कईयों के कैटरेक्ट तो दूर की बात है. जो सीनियर सिटीजन हैं उनके पास ग्लासेस लगाने की भी नहीं है. उसके बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, फैमिली रीजन हैं, उनके पेरेंट्स के वो बच्चे जो हैं वो रीजन हैं, बहुत सारे डिफरेंट रीजन है हर जगह. लेकिन आज भी हमारे वहाँ सर्विसेज की जरूरत है इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे हर कोई कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है. एनवायरमेंट जिस तरह से डिजास्टर हो रहा है वहां तो सबसे ज्यादा हमें जरूरत है आज इस क्लब्स की, ऐसे लोगों के समूह की, ऐसे लोगों के ग्रुप्स की जो पर्टिकुलरली एनवायरमेंट में ही काम कर रहे हैं. यदि हम देखें आपके आसपास भी, देखिए आपका शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो इमेज बिल्डिंग में काम कर रहे हो, चाहे वो प्लांटेशन में काम कर रहे हो, चाहे वो ओरिएंटेशन में काम कर रहे हैं एनवायरमेंट की या जानकारी की जागरूकता में काम कर रहे हैं. यदि ऐसे लोगों को हम क्लब्स बनाते हैं और अपने संगठन में लेकर आते हैं तो हमारे पास जो लायनिज्म एनवायरमेंट का जो टारगेट है, हमारे पास एनवायरमेंट में जो काम करने का मौका है वो काफी हद तक बढ़ सकता है. वॉलंटियर्स, ये जो वॉलंटियर्स हैं यही हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्पेशली क्लब्स बहुत डीप इंपैक्ट करते हैं सोसाइटी में. इमेजिन करिए कि यदि कुछ लोग डायबिटीज का डॉक्टर्स हैं या जो स्टाफ है उनका या जो लोग डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस लगाते हैं, यदि वो हमारे लाइंस के बैनर तरह समाज में जाकर डायबिटीज के बारे में जागरूकता फैलाएंगे तो उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा. लोग उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लोग उनके पास खुल के अपनी बात रख सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे और वो उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं. तो यहाँ हमारे जो क्लब्स, यदि ऐसे लोगों के बीच में हम अपने लाइंस के क्लब बनाते हैं तो हमारी ना सिर्फ इमेज बिल्डिंग भी होगी बल्कि हमें और मेंबरशिप मिलेंगे. एक सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी की डेफिनेशन बदल गई है. पहले क्या होता था, कम्युनिटी मतलब हमारे एक जगह पर रहने वाले लोगों की कम्युनिटी है. सपोज सूरत की कम्युनिटी का कल्चर अलग है, कच्छ का कल्चर अलग है, आपके गुजरात का कल्चर, ऐसे लोगों की कम्युनिटी है, यहाँ एक शहर में एक बिल्डिंग में रहते हैं वो कम्युनिटी है. अब कम्युनिटी बदल गई है, कम्युनिटी फिजिकल से लेकर अब वर्चुअल स्टेज पे आ गई है. तो ये कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है ये चेंज हो गया है. इसी के साथ साथ लायनिज्म बनाने का तरीका भी थोड़ा सा बदल गया है. ऐसे कम्युनिटी का मतलब अब होता है, अब आप अपना सेम पैशन शेयर करते हैं. सपोज बिजनेस कम्युनिटी आप ले लीजिए, लेकिन शहर भर में फैले हुए हैं, लेकिन वो हार्डवेयर का काम करते हैं या उसका काम करते हैं, पर उनका काम एक है, भले वो शहर में ठहरे तो वो एक कम्युनिटी में जुड़े रहना पसंद करते हैं. तो ये कम्युनिटी का कंसेप्ट चेंज होने से हमें ग्रुप क्लब्स बनाने का कंसेप्ट भी चेंज करना पड़ेगा. और इनविटेशन भी हमारा बदलने लगा है, क्योंकि पहले ये नहीं होता था कि हम लायंस क्लब हैं, आप हमारे आइए और जो हम बताएंगे आप वो काम करिए. That has changed. अब ये बदल गया है. आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे. यहाँ पे स्पेशलिटी क्लब का कंसेप्ट आता है. आप जो कर रहे हैं उसी को आप आगे बढ़ाइए, साथ में हमारे बैनर थले आ जाइए, हमारे लाइंस के माध्यम से हम करें, हम लाइंस की ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरे वर्ल्ड में है उसका सपोर्ट आपको देंगे. तो ये दैट हैज चेंज्ड. और इसी तरह से फ्लरिशिंग क्लब्स जो है दे ऑफर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. ये जो क्लब्स हैं हमको क्यूरियोसिटी की, ओपननेस की, इंस्पिरेशन की, लीडरशिप डेवलपमेंट्स की, क्योंकि इस तरह से जब स्पेशल लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एनरिच करते हैं, उनके नॉलेज से हम आगे बढ़ते हैं. स्पेशली क्लब्स के बारे और जो हम एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क भी बताते हैं, क्योंकि ये रीजनल और ग्लोबल सर्विस पैशन जो हमारा पूरा करते हैं. और ऑफ क्लब ब्रांच अपॉर्चुनिटीज, हमारे जो शहर के साथ में कहीं छोटी सी क्लब ब्रांच हमें कहीं बनाना है और जो थोड़े से स्पेशलाइज्ड पीपल हैं उनके साथ 5 लोग 10 लोग या इस लोग
उनकी हमें ब्रांचेस बनाना है तो यहाँ स्पेशलाइज क्लब जो है ये बहुत मौका देते हैं और ये एक बड़ा कंसेप्ट हो जाता है। इसी तरह से एनवायरमेंट और ग्लोबल कंसर्न्स में काम करने वाले लोगों के बीच में भी हम क्लब्स बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। बेनिफिट्स क्या है, इसके फायदा क्या है, हम पहले ट्रेडिशनल क्लब्स बनाया करते थे, हमारे स्पेशलिटी क्लब बनाने का क्या फायदा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के, लाइंस इंटरनेशनल ने जब सर्वे किया तो उसने ये पाया कि हमारी मेंबरशिप ड्रॉपेज क्यों हो रही है, तो उसने कई लोगों को लगता है कि हमें दूसरे लोगों को, दूसरे काम करने, दूसरे फील्ड में काम करने वाले लोगों के साथ नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन हम यदि हमारी कम्युनिटी मतलब जो दूसरे रहने की नहीं, जो सेम प्रोफेशन वाली कम्युनिटी को हम जब काम करते हैं तो बेहतर तरीके से हम सर्विस दे सकते हैं, इसलिए हमें ये लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के स्पेशली कंसेप्ट को लेकर आना पड़ा। मीटिंग मॉडर्न कम्युनिटीज के बारे में, इसके हमारे जो टारगेट्स है वो हम ले सके, कॉमन थ्रेड, एक कॉमन हमारे पास बातचीत करने का, रहने का, काम करने का एक तरीका हुआ, और इट प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ कनेक्टिंग रीजनली और ग्लोबली। अगर हम डॉक्टर्स हैं, अगर हम पैरामेडिकल स्टाफ हैं या हम एनवायरमेंट वाले हैं, तो दुनिया के साथ हमें जुड़ने का बहुत सारा मौका रहता है, दुनिया के बहुत सारे लोगों से हम जुड़े भी रहते हैं, तो ऐसे में स्पेशलिटी क्लब जो है लाइंस को और एनरिच करता है। हमारा ग्लोबल प्रोग्राम गोल क्या है, व्हाट इज अवर प्रोग्राम गोल ऑफ दिस थिंग, हमारा ग्लोब है कि नए क्लब्स चार्टर करें, नए क्लब्स बनाएं, ताकि नए डाइवर्स और स्पेशलाइज्ड लोगों के साथ हमारा जुड़ाव हो सके, ताकि जो जिस तरह से तेजी से दुनिया बदल रही है उसमें वॉलंटियर्स के सर्विस करने के तरीके बदल रहे हैं, सर्विस इनिशिएटिव्स बदल रहे हैं। आप देखिए ना, हम इतना डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे और 2 साल में हमारा कितना तेजी से डिजिटलाइजेशन होगी, अगले 10 साल का डिजिटलाइजेशन कवर हो गया। सो इसलिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमने 5 क्षेत्र बनाए हैं जिसमें हम स्पेशलिटी क्लब्स को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, कल्चर में है, लाइफ स्टेज में है, कॉज में है, प्रोफेशन है, या एजुकेशन है, या स्पोर्ट्स या हॉबी है उनकी। आज की तारीख में दुनिया में जो स्पेशलिटी क्लब लाइंस इंटरनेशनल बनते हैं, लगभग 60% ऑफ द क्लब्स आर चार्टर्ड आर स्पेशलिटी क्लब्स इन आज के इन लाइंस इंटरनेशनल। आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मल्टीपल के बारे में हम बात करें तो 3232 में अभी तक कुल क्लब्स जो बने हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर में दैट इज 39 क्लब्स में से 14 अभी ड्रॉप हुए हैं और नेट क्लब्स जो है 25 है। और आप लोगों ने जो गोल्स के बारे में बात करी, मेंबरशिप का गोल्स आपने टोटली अचीव कर लिया। क्लब गोल्स में आपने डिस्ट्रिक्ट जे ने जो है 5 का दिया था टारगेट और उसने 8 क्लब्स बना दिए हैं। B1 ने 10 है 13 क्लब्स बना दिए हैं, B2 ने 10 है 12 क्लब्स बना दिए हैं और 25 का है, थोड़ा परसेंटेज कम है F1 का, लेकिन 20 के टारगेट में से 5 बना दिए। तो लगभग आपने फर्स्ट क्वार्टर का जो क्लब है, ये फर्स्ट क्वार्टर का डाटा था, फर्स्ट क्वार्टर का जो आपका टारगेट है वो आपने लगभग पूरा कर लिया। और मुझे बताते हैं कि मुझे अभी दासानी सबसे बात हो रही थी कि मैंने पूछा उनसे कि क्लब्स कितने आपके बने वाले, लगभग हमने 44 क्लब्स आज दिनांक तक बनाए और उसमें 40 क्लब्स जो है स्पेशलिटी क्लब्स बने हैं। सो वो बहुत बड़ा 95% ऑफ द क्लब्स यू आर मेकिंग स्पेशलिटी क्लब्स। स्पेशली क्लब जो आपने बनाए हैं इसमें ज्यादातर क्लब्स जो हैं वो आपने 39 क्लब्स अभी तक, ये मेरे पास जो आज का है 39 क्लब्स हैं, इसमें लगभग आपने 65 अदर कॉजेस, स्पेसिफिक कॉजेस के लिए बनाए हैं, अदर्स के लिए एनवायरनमेंट में 20 बनाए हैं, विजन में 15 है, और ये जो हम देख रहे थे अभी जे में अब 67 क्लब्स हैं, इसमें आउट ऑफ दैट अभी 8 बने हैं, 41 इसमें B1 में 13 बने हैं, B2 में 12 क्लब्स बने हैं, F1 में 5 हैं और F2 में 1 है। इसमें से मैक्सिमम क्लब्स जो हैं आपके स्पेशली क्लब्स बनाए हैं आपने, ज़्यादातर जो हैं। MD की बात करें तो लगभग 56 क्लब्स टोटल क्यूमुलेटिव है, जितने आपके अभी तक हैं जो जब से ये डिस्ट्रिक्ट है, उसमें लगभग 56% ऑफ द क्लब्स हैव रिपोर्टेड स्पेशलिटी क्लब्स। आपके पास चैट बॉक्स ओपन है, क्या आप इसमें लिख सकते हैं कि एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, चैट बॉक्स अभी सभी का ओपन है, आर यू देयर, यस और नो थोड़ा सा टाइप करके बताएंगे, चैट बॉक्स आपके रेडी है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा। एमडी में आउट ऑफ 609 क्लब्स हैं आपके 3232 में, इसमें कितने क्लब्स आपके स्पेशलिटी क्लब्स हैं? क्लब्स आपके हैं स्पेशलिटी क्लब्स हैं। यदि हम जे की बात करें 67, कोई बता सकते हैं कितने क्लब्स हैं जे डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली जे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर्स या इनके जो GMT कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसमें कितने क्लब्स हैं आपके स्पेशलिटी क्लब्स जे में आउट ऑफ 67 टिल डेट?
20 क्लब्स आर स्पेशलिटी क्लब्स. यदि हम B1 की बात करें तो हमारे पास कितने क्लब्स हैं? 107 क्लब्स आउट ऑफ 140, ये हमारे पास स्पेशली क्लब्स हैं. यदि हम B2 की बात करें तो हमारे पास लगभग 142 क्लब्स हैं जो स्पेशली क्लब्स हैं. यदि हम F1 की बात करें तो आउट ऑफ 139, 140 के आसपास, 139 क्लबों में से हमारे पास 45 क्लब्स जो हैं स्पेशली क्लब्स हैं. F2 की बात करें तो आउट ऑफ 76 क्लब्स, 26 क्लब्स आर स्पेशलिटी क्लब्स. सो बहुत अच्छा आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है और निसंदेह ये चीजें हमें बेहतर मेंबरशिप की भी ले जा रहे हैं. अभी बात कर रहे थे दासानी साहब भी कि वी आर टारगेटिंग समवेयर अराउंड मैक्सिमम नंबर 250 क्लब्स की कुछ बात है और लगभग 4000 मेंबर्स की कुछ बात है. सो दैट्स अ ग्रेट टारगेट पूरे मल्टीपल का. आप इसके लिए विजिट कर सकते हैं लाइन्स की वेबसाइट पे, जहां पे आप स्पेशली क्लब के बारे में और जानकारी आपको मिल सकती है. www.org पे जाके स्पेशली क्लब्स आप करें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी. इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज भी हैं जहां से हम वहां जाके स्पेशली क्लब के बारे में ले सकते हैं. स्पेशली क्लब्स आपको पता ही है कि स्पेशली क्लब्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की जाती है. प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो उनको डिजाइन करते हैं, उनको मदद करते हैं और उनको डेवलप करते हैं स्पेशली क्लब्स को, और उनका इम्पैक्ट जो है अलायंस इंटरनेशनल में देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. एक ही एक फॉर्म आता है स्पेशली क्लब्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का, मैंने ये सैंपल फॉर्म आपके लिए रखा है. ये आपको वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा. दो तरह के फॉर्म्स हैं, प्लस 2 मेंबर्स एंड 40 मेंबर्स का होता है और एक प्लस 3 न्यू क्लब्स एंड 100 प्लस चार्टर मेंबर्स का होता है. हमारे जो इसामे एरिया में स्पेशली क्लब कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन 3 प्लस न्यू स्पेशलिटी क्लब्स और 100 प्लस न्यू मेंबर चार्टर मेंबर्स के वाली जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाते हैं. तो इस तरह का एक फॉर्म आता है जिसको आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साइन करके और डिस्ट्रिक्ट GMT कोऑर्डिनेटर्स के साथ साइन करके आप भेज सकते हैं और स्पेशली क्लब प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स आप बना सकते हैं. इसमें $200 का आपको रीइंबर्समेंट, $2000 का आपको रीइंबर्समेंट होता है जिसको आप फर्दर मेंबरशिप ग्रोथ में इस्तेमाल कर सकते हैं. स्पेशली क्लब प्रोग्राम्स का एक मैपिंग वर्कशीट आती है और वो आप उससे सीख सकते हैं कि किस तरह से न्यू क्लब अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास के इलाके में हैं तो वहां पे आप कैसे डेवलप कर सकते हैं. इसके लिए पूरी एक प्रोग्राम है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, टूल किट है, वहां पे आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है. स्पेशली क्लब मॉडल मैपिंग भी होती है जिसमें हम लाइन्स इंटरनेशनल जो है कम्युनिटी नेटवर्क रिसोर्सेज और कैटेगरीज क्या क्या हमारे पास है इसके माध्यम से हम स्पेशली क्लब को डेवलप कर सकते हैं. तो एक कोई रीजनल या लोकल कम्युनिटी आपके पास है जिसके ये जिसको मदद चाहिए है. फॉर एग्जांपल हम यदि से बात करें कि आपके यहाँ पर उड़ीसा के या कलकत्ता की कुछ कम्युनिटी रहती हैं, जो लोग रहते हैं उनका एक ग्रुप है कलकत्ता का या उनका एक एसोसिएशन है, आप उनके बीच में जाके बात कर सकते हैं कि हम एक बंगाली क्लब बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपका कल्चर जो है गुजरात में रहने के बावजूद भी उस कल्चर से आप वाकिफ रह सकें या बच्चों को उस कल्चर की ट्रेनिंग दे सकें. सो दैट बंगाली कल्चरल स्पेशलाइज्ड स्पेशलिटी क्लब कैन बी मेड. इसी तरह से अलग कम्युनिटीज के बारे में भी हम कर सकते हैं, इसी तरह से अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ भी हम बात कर सकते हैं और वहां पे इन क्लबों को बनाया जा सकता है. ये नेटवर्किंग भी आपको देते हैं, समाज के लोग जुड़ते हैं. कई बार क्या होता है हम हमारी भाषा को भूल जाते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल गुजराती यदि साउथ इंडिया में जाते हैं और अपनी भाषा को यदि उनको लगता है कि हमारे बच्चों को हमारी भाषा नहीं आ रही है या उस कल्चर से वो दूर हो रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं वहां पे दूर हो रहे हैं, तो वहां पे आप उनका एक कल्चरल स्पेशलिटी क्लब बना सकते हैं जिसमें आप सारी अपनी कम्युनिटी के लोगों को ला सकते हैं उनको, और बच्चों के लिए स्पेशलाइज प्रोग्राम रख सकते हैं, फैमिली के लिए रख सकते हैं जहां वो अपने कल्चर को याद रख सकें, कल्चर से अपडेट हो सकें. सो रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है इन सब चीजों के लिए. मेंबरशिप ग्रांट्स हैं डेवलप करने के लिए, वेबसाइट्स हैं, मिशन स्टेटमेंट्स हैं, विजन स्टेटमेंट्स हैं, ये सभी चीजें वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं. कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको, कॉज है स्पेसिफिक किसी विशेष कार्य के लिए आप करते हैं, LCI के ग्लोबल कॉजेज हैं उन पे भी हम क्लब बना सकते हैं, लाइफ स्टेज है सीनियर सिटीजन्स का, यंग जनरेशन का, दोनों का अपना टेस्ट अलग होता है. आप यंग जनरेशन का एक क्लब बना सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स का एक क्लब बना सकते हैं, क्योंकि उन दोनों की सर्विस करने की स्टाइल, उन दोनों की कंट्रीब्यूशन की जो तरीका है या कंट्रीब्यूशन करने का जो मकसद है वो लाइंस में अलग हो सकता है. देन देयर इज अ प्रोफेशन भी हो सकता है, हॉबी स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेलने वाले हैं या क्रिकेट खेलने वाले हैं या अपना लॉन टेनिस है या दूसरे जो भी गेम है उसके सबसे हॉबी है, किसी की साइकिलिंग है, किसी की एडवेंचर है, किसी का एनवायरमेंट सपोर्ट है, इस तरह में भी हम क्लब्स बना सकते हैं. कल्चर जैसा मैंने बताया आपको, कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं.
न्यू डेवलपमेंट क्लब डेवलपमेंट गाइड जो है वो आप LCI की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मेंबरशिप टूल किट है, वहां से जाकर आप स्पेशली क्लब्स और के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली क्लब्स इन एक्शन, हमारे जो सपोर्टिंग मेंबरशिप डेवलपमेंट है, ग्लोबल एक्शन टीम किस तरह से आपको सपोर्ट करता है। अचीव गोल्स, आपके जो स्पेशली क्लब कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति होती है LCI से, LCI गवर्नर कैन नॉट अपॉइंट स्पेशली क्लब कोऑर्डिनेटर्स, गवर्नर कैन नॉट बिकम स्पेशलिटी क्लब कोऑर्डिनेटर्स, और समवन हु इज डायरेक्टली बेनिफिशियरी ऑफ द स्पेशलिटी क्लब्स वो नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो आपको मदद कर सकते हैं स्पेशली क्लब कोऑर्डिनेटर्स को बनाने में, जो नए न्यू क्लब का डेवलपमेंट के गोल्स है उनको असिस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने गैटेरिया लीडर जी से बात करें, लोकल कैसे बनाए जा सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज को भी आप बात करें, मेंबरशिप प्रोग्राम्स के लिए आप बात करें। हाउ यू एम्पावर मेंबर्स में भी ग्लोबल एक्शन टीम आपकी मदद कर सकती है, उनके फीचर्स और बेनिफिट्स जो है वर्कशॉप्स और सेमिनार के माध्यम से आप बता सकते हैं। वर्चुअल प्रोग्राम्स जैसे ये अभी चल रहा है इसके बारे में जहां लार्ज ऑडियंस मिल सकती है, इंस्पायरिंग लॉयंस को भी बता सकते हैं कि SCP के रोल के लिए आप लोग आए। इसके बाद हम डाइवर्सिटी तो हमारी एनकरेज होती है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं, उनके बेनिफिट्स का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि उनको हमारे हिसाब से काम नहीं करना है। लाइंस इंटरनेशनल इज रेडी टू रीच कम्युनिटी, वर्चुअल कम्युनिटी और डिफरेंट कम्युनिटी, आप काम करिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से काम करिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये बेसिक जो है पूरा मोटिव है स्पेशलिटी क्लब का। आप अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, MyLine पे शेयर कर सकते हैं, और स्पेशली क्लब जो वर्ल्ड वाइड है उसको हमारी वेबसाइट के थ्रू या LCI के थ्रू और वहाँ पे जो सोशल सेंटर है, सोशल मीडिया सेंटर है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिस है ग्लोबल की लीडरशिप की वो सब आप एंजॉय कर सकते हैं। हाउ टू चार्टर स्पेशलिटी क्लब्स, कैसे बनाया जाए, तो स्पेशली क्लब कोऑर्डिनेटर्स और डिस्ट्रिक्ट GMT कोऑर्डिनेटर्स, गेट कोऑर्डिनेटर्स, गेट टीम जो है DGP टीम, और ये सब आपकी मदद कर सकते हैं। आपको इसके बारे में यदि ऑनलाइन भी जानकारी चाहिए तो आप lionsclubs.org पे जाके स्पेशली क्लब्स में ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट वीडियोज हैं, वो वीडियोज आप देख सकते हैं, और इन वीडियोज में आपका बहुत सारी स्पेशली क्लब के बारे में जानकारी है। एक ऐसा ही छोटा सा वीडियो मैं आपके स्पेशली क्लब के आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा। Lions Club is a good platform for me to belong with the society, to help the society, and also make me happy. We have people who have moved from their home country to a new country, and I see a lot of opportunity. We need to bring them into our organization. When I moved into this great country, we started Lions Club of Berkeley Annapurna. The whole idea was to bring our Nepalese immigrants into the mainstream of American life. Our people, they do not have the resources as to where to go when they have health issues. They don't have medical and they don't have insurance. We did eye screening, diabetes, blood sugar check, dance yoga. Lions Club International is the best organization. It has all the resources. What I think attracts them is the presence of Lions in 200 plus countries and the global leadership it provides for the service of society. We started our Nepalese cultural class for the children of the immigrants through the help of the Lions Club. Having this helps the children connect to their heritage and their culture. As a Lion, we serve here and we serve in Nepal. We visited hospitals. We had health camp, eye camp, checked 4,000 people. We did a huge impact. One of the most important selling points is the leadership opportunity our organization gives. I develop my personality. I can speak in front of people. There are a lot of mentors. They are ready to help when you need it. LCI is ready to embrace everybody. We need to open the door and go and ask.
सो फ्रेंड्स, हमने अभी इस वीडियो में देखा कि किस तरह से जो है नेपालीज ने दूसरी कंट्रीज में उन्होंने वहाँ पे स्पेशली क्लब्स बनाए हैं उनके कल्चर को बचाने के लिए, उनके बच्चों को जो है नेपालीज कल्चर से याद दिलाने के लिए, और वहाँ के लोगों ने किस तरह से नेपाल में आकर जो सर्विस एक्टिविटीज की उन स्पेशलिटी क्लब्स ने. सो इट वॉज ए टू वे ट्रैफिक. वहाँ के लोगों को अपना कल्चर में मदद मिली वहाँ के लोगों को, और यहाँ के लोगों को उनके जो सपोर्ट होता है लाइन्स इंटरनेशनल का, जो मदद होती है लाइन्स इंटरनेशनल की, उसमें हमको सपोर्ट मिला. तो इसीलिए स्पेशलिटी क्लब्स का कंसेप्ट जो है बहुत तेजी से वर्ल्ड वाइड चल रहा है और ईसा में इस मामले में सबसे ज्यादा आगे है. So thank you friends, thank you very much. Adi, I hope you enjoyed the session. और आप लोगों के बहुत सारे जवाब मुझे चैट बॉक्स में दिख रहे हैं. And I'm sure कि यदि कुछ questions हो तो the forum is open for the questions. हार्दिक जी, मैं इसको share stop कर दूँ? Yes sir, please. Yeah, great. सर, किसी को भी questions को पूछना हो regarding specialty club, क्योंकि कई बार मेरे पास तो फोन अरे गेट एडेड आते ही रहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है. किसी को भी पूछना तो अभी पूछ सकते हैं जिससे कि खुलासा हो जाए. प्लीज एनीबॉडी. बलबीर जी. जी जी संजीव. संजीव जी. हाँ संजीव जी नमस्कार. एक प्रोविजन आई थिंक है कि यू कैन कन्वर्ट योर एग्जिस्टिंग क्लब टू अ स्पेशलिटी क्लब और वाइस वर्सा. यस, तो उसके लिए आप थोड़ा कुछ. यदि आपको जो तो मुझे हाँ जितनी मुझे जानकारी है, यदि आप कोई क्लब बनाते हैं और उसमें आपको कन्वर्ट करना है तो जो प्रेसिडेंट है वो क्लब बनने के बाद भी उसमें अपने पासवर्ड से, सेक्रेटरी अपने पासवर्ड से स्पेशली क्लब में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस बता सकते हैं उसको. प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी कैन ओनली डू दैट. दैट कैन बी डन वंस इन अ ईयर ओनली. वंस इन अ ईयर ओनली. एक्जेक्टली. दैट कैन बी डन वंस इन अ ईयर ओनली. इवन मतलब कोई भी क्लब जो एग्जिस्टिंग क्लब है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं. न्यू क्लब भी है, एग्जिस्टिंग क्लब भी है. दैट कैन बी डन. एंड वाइस वर्सा, अगर स्पेशलिटी है तो नॉर्मल भी हो सकता है. नॉर्मल भी हो सकता है. एग्जैक्टली. ओके थैंक यू. थैंक यू. इज देयर एनीबॉडी जिसको. संजय जी हमारे स्पेशलिटी क्लब के कोऑर्डिनेटर है मल्टीपल के. अच्छा. किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपने जीएमटी भी सब बैठे हैं, उनको ये कई बार कई प्रॉब्लम्स रहती है तो अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं बलबीर सिंह जी. जी. ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जीएमटी है जो बार बार मेरे को जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी. हाँ. अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी लायंस क्लब इंटरनेशनल ने जो कोऑर्डिनेटर की एक लिमिट कर दी है. हाँ. मैक्सिमम फोर. फोर फोर इट इज फोर. तो उससे काफी हमारे यहाँ सब नाराज है. हालांकि दिस इज अ नियम, वो जो नियम बनाया वो इंटरनेशनल कमिटी ने बनाया है. तो मेरी ये इच्छा है कि एटलीस्ट हमको सबको मिलकर कन्वे करना चाहिए कि ऐसी लिमिट नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि लिमिट चार बहुत छोटी होती है. लिमिट कम से कम बांधे तो ज्यादा होनी चाहिए. ये आप कन्वे आगे अपने करें तो ज्यादा ठीक रहेगा. जी सुभाष जी, पहले तो क्या लिमिट नहीं थी, हम कितने भी स्पेशलिटी क्लब कोऑर्डिनेटर्स डिस्ट्रिक्ट में बना सकते थे, लेकिन इस साल से उन्होंने चार पर डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने बना दिए. अब हम ये बात सही है आपकी कि हम एक तरफ तो हमारी एलसीआई जो है एक तरफ मेंबरशिप ग्रोथ करना चाहती है, क्लब्स ग्रोथ करना चाहती है, और जो लोग टैलेंटेड है, जो लोग इस पे में काम कर रहे हैं, यदि आप किसी डिस्ट्रिक्ट को चार तक सीमित कर देंगे तो वो 16 क्लब ही बना पाएंगे. कितने क्लब बना पाएंगे, क्योंकि उनको तीन क्लब बनाने से बाद जो है वो 100 मेंबर्स के बाद एक बार स्पेशली क्लब का वो अप्लाई कर देते हैं तो फिर पात्रता नहीं रहती है उनके पास, या उनका टेन्योर जब खत्म हो जाता दोनों में से कोई भी पहले हो. तो ऐसी स्थिति में जहां पे इसको रिव्यू करना चाहिए एलसीआई को, और यदि कोई मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट जो है या डिस्ट्रिक्ट अपना टारगेट्स पूरा कर लेती है तो उसको वहां रिलैक्सेशन और एक्सटेंशन देना चाहिए. यू कैन गो फॉर द मोर कोऑर्डिनेटर्स फॉर प्रमोटिंग क्लब्स, ऐसा मेरा भी मानना है. और डेफिनेटली किसी फोरम पे बात होगी तो मैं रखूंगा उसको. हाँ, इसकी बात जरूर रखना, क्योंकि ये काफी यहाँ पर काफी बार कई बार कहते हैं ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इसलिए मैं आपको मैंने कहा है ये. लेट अस. एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बलवीर जी आप कंक्लूड करना चाहते हैं तो कंक्लूड कर सकते हैं आप. जी नहीं, बस यही मैं चाहूंगा कि जितनी आपका जो मेंबरशिप टारगेट्स हैं वो अवश्य पूरे होंगे, और मैं समझता हूँ स्पेशलिटी क्लब्स के विषय बारे में भी आप इस सामे एरिया में नेपाल के बाद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक मल्टीपल होगा जिसमें हमारे पास इतने क्लब्स होंगे.
और ये हमारी मेंबरशिप को भी काफी ग्रोथ करेंगे। और आपके यहाँ जिस तरह से काम हो रहा है वो निस्संदेह तारीफ के काबिल है। आपकी पूरी डीजी टीम, पांचों गवर्नर्स और पूरे आपकी लीडरशिप जो लगी हुई है, डेफिनेटली उसमें टारगेट्स पूरे होंगे हमारे स्पेशल फोर्स के। और इसके फंडिंग के बारे में वैसे एक बात कहना चाहूंगा, इसमें एक प्रोविजन और भी है। क्या है कि जब तक ये यहाँ पर जो लोग, कुछ लोगों को ऐसे भी क्वेश्चंस आते होंगे कि हमने बना दिया पर हमारे पास पैसा नहीं आया है, हमने अप्लाई कर दिया है। देखिए क्या होता है, लाइंस इंटरनेशनल ने स्पेशली क्लब्स के लिए एक फंड रखा हुआ है जो पर कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया भी डिवाइड होता है। यदि वो जब फंड खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद वो आपको इसका जो रिएम्बर्समेंट है वो नहीं दे पाते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में पैसा कम खर्च हुआ है तो उसके बाद वो बोर्ड डिसीजन लेकर आपको वो इस फंड को ट्रांसफर किया जा सकता है। पर ये फिर साल के आखिरी में पता चलता है, मार्च अप्रैल के बाद, उसकी बोर्ड मीटिंग के बाद। तो ऐसा ना समझे कि आपने भर दिया मतलब आपको आ जाएगा, हो सकता है आपके मल्टीपल का या एसामे का फंड जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया तो आपके पास नहीं आ पा रहा है। और सैंक्शन पहले लेना पड़ता है, बाद में क्लब बनानी पड़ती है। हाँ। पहले क्लब बना दिया, बाद में सैंक्शन लिया तो उसका पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलेगा, करेक्ट ना? सही बात है, ये नियम के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम हमारे लास्ट ईयर ये भी आई थी, एक एक ही कोऑर्डिनेटर टू टाइम्स कर दिया तो उसको एक बार का मिला, दूसरी बार वो स्टेट में ना आ गया कि भी साल के एक एक बार ही मिलेगा, सेकंड आप सेकंड टाइम बने हो तो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह की अनजाने में गलतियां होती है तो उससे हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। दैट्स गुड। सो इज देयर एनीबॉडी एल्स, किसी को कुछ पूछना हो तो? सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू बलबीर जी, हमें काफी आपने वीडियो कई तरह की चीजें बता के इसके हमें अट्रैक्ट किया। और मेरे ख्याल से कईयों ने सोचा ही होगा कि तुरंत अब तो बना ले। एक एक जो बात आपने कही कि कम्युनिटी जैसे बंगालीज है, मराठीज है, राजस्थानीज है, इस तरह से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिससे एक अपने क्लबें मिल सकती है। दिस इज यदि अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में से इस तरह से सब जगह देखें तो एटलीस्ट 10 क्लबों की कल तैयारी हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड साइड। सो यस, बता जाए डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी किया है, एक बंगाली क्लब है, एक बिहार के नालंदा बल के क्लब है, एक मैथिली क्लब है जो मैथिली रीजन के बिहार के, एक ओरिया के बनाए हैं। तो इस इज दिस फोर क्लब वी हैव ऑलरेडी फॉर्म इन हैदराबाद। तो हमारे तो हर एक स्टेट की एक होनी चाहिए इस तरह से हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए। तो एक अपने ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली होगा मेरे ख्याल से, और इस तरह से डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। तो हमें खूब ऐसा इसका एडवांटेज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे मेंटर दीपक जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उपस्थित हुए ये पूरा प्रोग्राम अपने लायंस मेंबर्स को बता दूं, ये पूरा जो प्रोग्राम नरेंद्र भाई भंडारी ने इनिशिएटिव लिया, उसके बाद वो जो पूरा संभाला है प्रोग्राम को, पूरे ऑल जितने भी 16 मल्टीपल्स में सब्जेक्ट्स देने के साथ साथ हर एक को प्रेजेंट करना, इसमें स्पीकर के रूप में, मेंटर के रूप में, और सबकी कंप्लेनें सुना। कई बार क्या जो काम करने वाला होता है उसको सुनना बहुत पड़ता है, ये तो मैंने देखा। हो सकता है कि दीपक जी को मैंने भी दो बात बोली होगी, लेकिन ये खूब पेशेंसफुली इस सब का जवाब देते हैं। और मेनली ये जो प्रोग्राम की जो सक्सेस जो हो पाई है बिकॉज ऑफ दीपक जी, ये मैं अवश्य कहूंगा। एंड दीपक जी हम रियली आपके खूब खूब आभारी है, हमारी पूरी मल्टीपल आभारी है। शायद कॉमन मेंबर तो आपको हमारी मल्टीपल में शायद नहीं जानता होगा, लेकिन मैं इसीलिए आपका ज्यादा थोड़ी देर टाइम ले रहा हूँ परिचय देने में कि दीपक जी फ्रॉम बॉम्बे मुंबई। और इस बार क्या है कि हमें हम सब रूबरू में सब हैदराबाद में सब मिले हुए हैं, इसलिए खूब प्रसन्नता होती है। अपना तो ऐसा लगता है कि सब चेहरे, अरे ये तो सब हमारे जान पहचान वाले हैं। तो दीपक जी ने ये जो पूरा ये लीडरशिप प्रोग्राम्स को जो इनिशिएटिव लेके थर्ड मंथ में हम चल रहे हैं, तो ये जिस तरह से इन्होंने लिया है, वी हैट्स ऑफ माय टू फॉर दीपक जी। थैंक यू मैडम दीपक जी। दीपक जी एक दो मिनट यदि कुछ बोलना था बोलिए, बाद में अपने कोई राज्य से
Well, Swati, actually, I'm not in the agenda because I have to visit 16. Yes, yes, you are just came in, but I really appreciate and I saw the Balbir ji ka jo for a few minutes and it was a wonderful session. And this is all the initiative of Narendra ji Bhandari and the way all the members are joined together. We all met in Hyderabad. I think this is an excellent movement which we are enriching the knowledge to all the land members. So please continue doing this. Thank you very much. Thank you.